सोनू नाश्ता कर लेना पहले, ठीक? मैंने कांदे पोहे बनाए हैं, मस्त अभी कितने लिए। भूख नहीं मिलेगी, मेरे गले के नीचे कुछ नहीं उतरेगा। अगर हंसा कहा है? मिल गई मिल गई मिल गई। हाँ मिल गई ना, चल अभी दो दोनी वाले खा ले। चल नहीं नहीं आई, मुझे ना सॉरी लेकिन कॉलेज के लिए बहुत लेट। सोनू कहा है? तो कहा चल रहा है? धोनी वाले सोनू अगा प्लीज जी, तो बस धोनी वाले खाना बाड़ा। मैं टपोर गोली को बोलती हूँ रुकने के लिए। हाँ टपोर गोली तो मेरा वेट कर लेंगे, लेक्चर थोड़ी ना मेरे लिए वेट करेगा। अगर सोनू बाय 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 बाय, पानी की बोतल ले। सबको छोड़ने वाला सबको छोड़ के जा रहा है। ठीक है जेड़ा शाम को सोडा शॉप में मिलते हैं। ठीक है मिलेंगे रात। ओके ओके चलो बता जी। ओके जी बाबा बाय, थैंक यू। आइए मैं आपको जेन रोड छोड़ देता हूँ, मुझे तो रास्ते में पड़ेगा ना दुकान जाते जाते। आइए। पर आपको घर पे से कुछ चेक लेना था ना? नहीं वो मुझे बाद में याद आया कि वो पार्टी कल आ रही है तो चेक मुझे कल देना है। आइए आइए। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, आप निकलिए। बबीता जी अरे चलिए साथ में जाएंगे, रिक्शा में गप्पे मारते मारते तो टाइम पास हो जाएगा। ठीक है चलिए। हाँ मुझे आपके जैसी कंपनी मिलेगी, मेरे ऐसा नसीब कहाँ है। वैसे मैं अयर को काफी दिन से कह रही थी कि बस हम लोग अभी एक कार ले लेते, यू नो आने जाने में काफी आसानी होता है। नहीं नहीं ये अयर भाई ने बहुत अच्छा काम किया। कौन सा? ये गाड़ी नहीं लेने का। क्यों? अगर गाड़ी होती तो फिर आज मुझे आपके साथ ऐसे रिक्शा में जाने का मौका नहीं मिलता ना। अच्छा वैसे अगर आज मेरे पास गाड़ी होती तो मैं आपको आज दुकान छोड़ने आ सकती थी। तो अरे अगर ऐसी बात है तो मैं गाड़ी ले लेता हूँ, फिर आपको बोलूंगा बबीता जी रोज आइए मुझे दुकान छोड़ने। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको दुकान छोड़ने के बाद गाड़ी लेके कहीं ना कहीं घूमने चली जाती, फिर आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। अरे सवाल ही गाड़ी पूरी आपकी उसमें की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल बबीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल। अरे भाई आज आप लेट हो गए। अरे लेट कहाँ भाई, रोज का टाइम पे ही जा रहा हूँ। चलिए बबीता जी ये लो रिक्शा भी आ गई। एक मिनट अभी आया। यार भाई काम से वापस आ गए? बबीता मैं घर पर मेरा मोबाइल भूल गया। पता है मुझे, इसलिए मैं अपने साथ भी लाई हूँ। मैं जेन रोड जाते जाते तुम्हें ऑफिस में आके देने भी वाली थी। अरे बबीता जी आपको यार भाई को फोन कर देना चाहिए था कि आप ऑफिस में जा रहे हैं उनको देने के लिए। खामा का धक्का हो गया ना उनको। अरे हाँ सो सॉरी अय्यर। अरे नहीं बबीता कोई बात नहीं। ये ले। हाँ थैंक यू सो मच। बबीता तुम बॉन्साई लेने ही जा रही हो ना? हाँ हाँ। तो चलो मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगा, उधर से ऑफिस निकल जाऊंगा। ओके चिठा जी। हाँ निकलिए कोई बात नहीं। ओके बाय बाय सी यू हैव अ गुड डे। बाय बाय बाय। लेट हो रहा था ना? अरे हाँ भाई था नहीं अभी भी लेट हो रहा है, रिक्शा ही नहीं मिल रही है। जरा मुझे दुकान तक छोड़ देना भाई चल। अरे जेठालाल मैं तो स्टेशन देने जा रहा हूँ भाई, तुम्हारा दुकान का। अरे तो रिक्शा का जितना भाड़ा होगा उतना दे दूंगा ना तुमको यार, चलो ना प्लीज यार। सवाल पैसे का नहीं लीटा ना, मुझे लेट हो रहा है इसलिए। अच्छा भाई तो जहाँ तक रिक्शा मिलती है वहाँ तक तो ले जा भाई। उतर उतर जा चल। छोड़ दो बड़े भाई। चल अब्दुल। लेट हो गया, चलो चलो आराम। लेट हो गया, बहुत सारे काम है सोसाइटी के बाकी। अरे निकल ना चाबी आज सखराम भी ना कमाल है, ये जेठालाल भी कमाल है। बोल रहा था रिक्शा तक छोड़ दो, ऐसे बोल के दुकान तक लेके गया। जा भाई जा जल्दी जा, बहुत सारे काम भी बाकी है सोसाइटी के, स्टेशनरी भी आ गई। चलो हेलो अब्दुल। हाँ बेटा भाई। अरे कहाँ है भाई तू? आपके पीछे। अच्छा तू आ गया। अरे सोसाइटी के बहुत सारे अधूरे काम करने बाकी। हाँ बोलिए। वो पीविंग में जो पानी का लीकेज है उसका सोल्यूशन निकालना है ना? हो गया हो गया। मैंने प्लम्बर को बुला के ठीक करवा दिया। अच्छा अच्छा वो सफाई करने वाले का हिसाब बाकी है ना? हो गया हो गया। उसका हिसाब हो गया, उसको कुछ देने का बाकी नहीं है। अच्छा और वो सोसाइटी के मेंटेनेंस की बिल्स की फाइल तैयार करनी थी वो? हो गई। वो भी हो गई? हाँ टेबल पे पड़ी है। अरे वो ये भी रेडी है? मतलब आज और कोई काम बाकी नहीं है?
सिर्फ मुझे म्युनिसिपैलिटी ऑफिस जाके सोसाइटी का मेंटेनेंस का बिल भरना है ना। जरूरत नहीं बड़े भाई, अगले हफ्ते भी जा सकते हैं। अगले हफ्ते? इसका मतलब आज कोई काम ही नहीं है? ओहो, वेरी गुड। बड़े भाई अचानक छुट्टी मिल गई ना, एंजॉय योर वेकेशन। अरे वेकेशन नहीं अब्दुल, हॉलीडे। एक दिन का वेकेशन। वेकेशन बोलना ही है। अरे नहीं भाई, काय का वेकेशन? सोसाइटी का काम नहीं लेकिन ट्यूशन तो है। अभी मेरा एक स्टूडेंट आने वाला है पढ़ने के लिए। तो भिड़े भाई आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाइए, मैं अपने कस्टमर को पढ़ाता हूँ, मतलब कि दुकान संभालता हूँ। अच्छा मेरे ये नई स्टेशनरी लाई है उसको जरा जगह पे रख देना, और बाद में ऑफिस बंद करके चाबी अपने पास ही रखना, मैं बाद में ले लूंगा। जी जी भिड़े भाई। नई फाइल क्या हुआ, कुछ भूल गया? नहीं तो सोसाइटी ऑफिस गए थे ना, कुछ काम था ना आपका वहाँ? हाँ, लेकिन मेरे सारे काम मेरे जिन ने कर दिए। जिन ने? तो कहाँ है चिराग? कौन चिराग? अरे आपने कहा ना अभी कि सारे काम जिन ने कर दिए, इसका मतलब आपके पास अलाउद्दीन का चिराग है। ओ अच्छा, अलाउद्दीन का चिराग कहाँ है? नहीं नहीं, जिन मुझे डायरेक्ट ही मिल गया और उसे सोसाइटी के सारे काम कर दिए। अरे बापरे, कौन आए कोड़ा जिन? अब्दुल होका। अरे वाह, अच्छा आपको बीएमसी ऑफिस जाना था ना? वो अगले हफ्ते जाना है। आज अभी चिंटू के ट्यूशन को छोड़ के दूसरा कोई काम नहीं। चिंटू अभी तक आए नहीं ट्यूशन के लिए, 10 मिनट लेट हो गया। हेलो। हेलो विजय सर, मैं चिंटू बोल रहा हूँ। चिंटू तुम अभी तक आए नहीं ट्यूशन के लिए? विजय सर आज मैं ट्यूशन नहीं आ पाऊंगा। क्यों? मैं मम्मी के साथ बाहर जा रहा हूँ। अरे तुम परसों भी नहीं आए थे चिंटू, और तुमने यही कारण दिया था मुझे। धीरे सर कल से रेगुलर आऊंगा, प्लीज मम्मी ने भी रिक्वेस्ट किया है। अरे ऐसे कैसे चलेगा चिंटू, जरा मम्मी को फोन दो, मुझे बात करनी है। नहीं दे सकता धीरे सर। क्यों? मम्मी अभी बिजी है, घर पे गेस्ट आए हैं, तो हम लोग उन्हीं के साथ बाहर जाएंगे। ठीक है, लेकिन कल से रेगुलर आना है, फिर कोई कारण नहीं चलेगा। ठीक है धीरे सर, कल से रेगुलर ही आऊंगा। क्या हुआ चिंटू आज भी नहीं आ रहा है? नहीं ना, कह रहा था उसको आज फिर से मम्मी के साथ बाहर जाना है। पता नहीं उसकी मम्मी उसको रोज रोज कहाँ लेके जाती है और क्यों लेके जाती है। अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता है कि नहीं, मुझे उसकी मम्मी के साथ बात करनी पड़ेगी। बस क्यों रही हो? नहीं नहीं कहीं नहीं। माधवी तुम्हारे सामने जो सब्जी रखी है वो इतनी फनी नहीं है कि जिसे देख के तुम्हें हंसी है, इसलिए बता दो क्या हुआ, क्यों हंसी? आपका गुस्सा देखकर। मेरा गुस्सा देखकर तुम्हें हंसी आ रही? आप जब बच्चों पर गुस्सा होते हो ना तो एक बच्चे की तरह लगते हो। मैं गुस्सा करता हूँ तो बच्चे जैसा लगता हूँ? फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? नहीं मतलब अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और अगर कोई बच्चा शरारत करता है और मैं गुस्सा करता हूँ तो बच्चे को क्या लगेगा कि एक शिक्षक गुस्सा नहीं कर रहा है, बच्चा गुस्सा कर रहा है, वो बच्चा सुधरेगा कैसे? मैं समझाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, हाँ यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ का बच्चा मान लो शरारत करता है तो मैं उस पर गुस्सा करता हूँ। ए क्या चल रहा है, हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो। वाह, मैंने गुस्सा किया लेकिन उस बच्चे को क्या लगा कि गुस्सा करने वाला शिक्षक नहीं है बल्कि बच्चा है, तो वो सुधरेगा कैसे? अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं नहीं, मुझे तो पहली बार में ही समझ में आ गया था, लेकिन आप समझाते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। वापस एक बार समझाइए ना। क्या अच्छा लग रहा है, यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस चल रहा है? वो ये चिंटू भी ना बुक्स भूल गया, भेड़े सर को फोन करती हूँ। हेलो, भावना बात कर रही हूँ, चिंटू की मम्मी। हाँ बोलिए बोलिए, मैं आपको ही फोन करने वाला था। सॉरी भेड़े सर, वैसे तो चिंटू कभी बुक्स घर पे भूलता नहीं है, लेकिन आज वो घर पर ही भूल गया है और इसके लिए मैंने फोन किया है। भेड़े सर प्लीज आप उसे डांटिएगा नहीं। अरे किसे नहीं डांटू, चिंटू तो जाए नहीं ट्यूशन के लिए। क्या आपने छुट्टी दी है क्या? अरे मैं क्यों छुट्टी दूं, बल्कि आप उसे कोई बाहर रख के जाने वाली थी ना, इसलिए वो ट्यूशन के लिए नहीं आया। अरे उसके पढ़ाई पर असर होता है, आपको समझना चाहिए ना। नहीं भिड़े सर, मैं उसको कहीं नहीं लेकर जा रही हूँ। क्या मतलब, वो आज आपके साथ बाहर नहीं जा रहे? नहीं। कमाल है, परसों भी उसने यही कहा था कि आपके साथ बाहर जाने वाला है, इसलिए परसों भी वो ट्यूशन के लिए नहीं आया। नहीं नहीं, परसों भी मैं उसको कहीं नहीं लेकर गई थी। एक मिनट, आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं ना? नहीं, मेरे घर पर कोई गेस्ट नहीं आया है। किसने बोला? चिंटू ने। अब
भावना जी मतलब चिंटू आपसे और मुझसे झूठ बोल के ट्यूशन बंक कर रहा है? ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। रुकिए भिड़े सर, मैं उसे अभी बात करती हूँ। हाँ उसे बात कीजिए आप, और उसे कह दीजिए कि आज से ट्यूशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप और शिक्षक से झूठ बोलने वाले बच्चे को मैं नहीं पढ़ाता। आज से उसका ट्यूशन बंद। कितने गुस्से में बात कर रहे हैं आप। अरे तो क्यों ना करूं? अरे वो अपनी मम्मी से मुझसे झूठ बोल के ट्यूशन बंक कर रहा है। गलती है, चिंटू ऐसा लगता नहीं है। लेकिन ऐसा है, उसने ऐसा किया है। ये आजकल के ये वीडियो गेम टीवी मोबाइल के जमाने में ना बच्चे बिगड़ गए। देखिए उसने गलती की है ठीक है, लेकिन आप इतना गुस्सा मत कीजिए प्लीज। नहीं नहीं मेरा गुस्सा करना जायज है माधवी, क्योंकि मेरी नजर में ट्यूशन बंक करना बहुत बड़ी गलती है। इसके लिए मैंने जो पनिशमेंट दी है वो बिल्कुल सही है। आज से उसका ट्यूशन बंक। अरे आइए आइए नमस्ते, आइए बैठिए चलो। नहीं नहीं ठीक है चिंटू, सर से माफी मांगो। सॉरी सर। बस सॉरी बोल दिया तो सब ठीक हो गया, सारी गलती माफ है ना। कहाँ गए थे ट्यूशन बंक करके परसों? सर मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। क्या? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद से मैं कभी ट्यूशन बंक नहीं करूंगा, प्लीज सर। सर चिंटू ने गलती की है और उसे मैंने बहुत डांटा भी है उसके लिए, इस बार उसे माफ कर दीजिए और वापस ट्यूशन में रख लीजिए। नहीं नहीं भावना जी, नहीं बिल्कुल नहीं, एक शिक्षक ऐसी गलती कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन भिड़े सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ट्यूशन या लेक्चर बंक करना मेरी नजर में सबसे बड़ी गलती है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। और अगर स्टूडेंट को गलती की पनिशमेंट ना मिले ना तो वो स्टूडेंट गलती दोहराता है, इसलिए ट्यूशन से निकाले जाना है इसकी पनिशमेंट। इसे पनिशमेंट मिलेगी ना तभी ये सुधरेगा। नहीं नहीं भिड़े सर, इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दीजिए इसको। भावना जी मेरा मानना है कि जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी पनिशमेंट, आप तो हमारी बेटी सुनो को जानते ही है। अरे कॉलेज में लेक्चर के लिए लेट ना हो जाए इसे सुबह का नाश्ता नहीं करती है वो। हाँ, आज भी वैसे ही हुआ बेचारे का। और ऐसे बच्चों पर माँ बाप को हमेशा गर्व होता है। और इसे देखिए ट्यूशन बंक करके वीडियो गेम खेल रहे भाई साहब, पढ़ाई गई तेल लेने। सॉरी भीरे सर, आपको जो पनिशमेंट देना मुझे दे दीजिए, मुझे ट्यूशन से मत निकालिए प्लीज भीरे सर। भीरे सर माफ कर दीजिए ना, बच्चा ही तो है। आहो माफ कर दीजिए ना। माफी मिलेगी लेकिन पनिशमेंट के साथ। चिंटू तुमने तीन गलतियां की, एक अपने शिक्षक के साथ झूठ बोला, दो अपनी मम्मी के साथ तुमने झूठ बोला, और तीन ट्यूशन बंक किया। इसलिए तुम्हारी पनिशमेंट यह है कि तुम्हें जो परसों मैंने होमवर्क दिया है ना उसे तुम चार बार करोगे। ठीक है सर। और हाँ भावना जी, घर पे इसका टीवी मोबाइल वीडियो गेम प्लीज बंद रखना। हाँ सब बंद। गुड। थैंक यू सर। नहीं नहीं बेटा, अब आज तुम्हारी ट्यूशन नहीं लूंगा, आज तुम सिर्फ होमवर्क करो। भावना जी आप भी जरा चिंटू की तरफ ध्यान रखिए। देखिए बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षक की नहीं होती, माँ बाप की भी होती है। समझती हूँ सर। भावना जी हमने हमारे सोनू की पढ़ाई की तरफ पूरा पूरा ध्यान दिया, इसलिए उसने बोर्ड में 94% स्कोर किया और शहर के सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिला। भिड़े सर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आपने आपकी बेटी के पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया ना, वैसे ही मैं चिंटू के पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखूंगी। गुड। थैंक यू सर। थैंक यू आंटी। चलो। देखा माधवी, माँ बाप कितनी उम्मीदों के साथ अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजते हैं और बच्चे ट्यूशन बंक करके मस्ती करते, वीडियो गेम खेलते। एक ये चिंटू है और एक अपनी सोनू, मुझे गर्व है मेरी बेटी। हमारी सोनू तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती है? कितनी मेहनत और कितनी लगन से पढ़ाई करती है मेरी बेटी। काश सभी स्टूडेंट्स हमारी सोनू की तरह सिंसियर होते। सोनू तू यहाँ? ते तो इम्पोर्टेंट लेक्चर थे ना। कैंसिल हो गया। ओ, इतना बुरा हुआ ना। क्या बुरा हुआ, इतना बोरिंग लेक्चर था, अच्छा हुआ कैंसिल हो गया। Hey guys, मेरे पास ना एक अमेजिंग आइडिया है, आज हम लोग लेक्चर्स बंक मारते हैं और पिक्चर विक्चर देखने जाएंगे, मस्ती करेंगे बहुत से। मैं मेरे बड़े भाई की ओपन जीप लेके आया हूँ, अरे चलो ना बहुत मजा आएगा,
गोली चलना प्लीज। अरे चल यार, गोली चल, 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 चल। लेकिन अरे गोली, हम पिक्चर देखने के साथ पॉपकॉर्न भी खाएंगे और उसके बाद हम बर्गर, पिज्जा और फ्रैंकी भी खाएंगे। अरे वाह, चलो जाते हैं। अरे क्या चलते हैं, मेरे लेक्चर्स हैं। टप्पू यार लेक्चर्स छोड़ना यार, मजा आएगा, चलना। एक मिनट सोनू, तू क्या कहती है? हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन लेक्चर्स मिस होंगे उसका क्या? अरे सोनू, लेक्चर्स का क्या है, एक गया तो दूसरा आएगा, दूसरा गया तो तीसरा आएगा। अरे लेक्चर्स तो आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। चलो जाते हैं। अरे क्या चलते हैं, मेरे लेक्चर्स हैं। टप्पू यार लेक्चर्स छोड़ना यार, मजा आएगा, चलना। एक मिनट सोनू, तू क्या कहती है? हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन लेक्चर्स मिस होंगे उसका क्या? अरे सोनू, लेक्चर्स का क्या है, एक गया तो दूसरा आएगा, दूसरा गया तो तीसरा आएगा। अरे लेक्चर्स तो आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। फ्रेंड्स इट्स नॉट फनी, तुम लोगों के लेक्चर्स नहीं है क्या? कम ऑन सोनू, एक दिन लेक्चर बंक कर दिया तो कोई तूफान ही आ जाएगा। हाँ सोनू चलना, चले यार। देख गोली और टप्पू भी आ रहे। गोली टप्पू, तुम लोग जाने के लिए रेडी हो? रेडी होंगे ना, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम लोग कॉलेज में अभी नए आए हो ना, मैंने कॉलेज में बहुत गुटली मारी है। गुटली? गुटली? अरे बंक। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। सोनू तुझे क्या लगता है, तू अभी भी स्कूल में ही है? देख टप्पू और गोली बड़े हो गए, कॉलेज में आ गए। गोली तू चल रहा है ना? हाँ आ रहे, आ रहे ना टप्पू? हाँ चल रहे, चल रहे। हाँ कम ऑन सोनू, ग्रो अप बाबा। चल ना सोनू, प्लीज ना। व्हाट ग्रो अप, मुझे भी आना है तुम लोगों के साथ, लेकिन कम ऑन सोनू, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। सोनू एक बात बता, तू तेरे क्लास में अकेले स्टूडेंट है क्या? नहीं। एग्जैक्टली, और भी स्टूडेंट्स होंगे और वो नोट्स भी लेते होंगे। हाँ तो उनके पास तो नोट्स ले लेना। लेकिन फ्रेंड्स मेरे लेक्चर्स है, और जस्ट इमेजिन अगर बाबा को पता चल गया कि हम ऐसे कॉलेज बंक करके बाहर घूमने गए हैं तो क्या होगा? ऐसा मत बोल सोनू, अगर भीड़े अंकल को गलती से भी पता चल गया तो हमारी खैर नहीं है। Exactly. गोली सोनू, भीड़े अंकल को नहीं पता चलेगा, हम लोग हमारे पेरेंट्स को बताएंगे नहीं कि हम लोग कॉलेज बंक करके बाहर गए थे। एग्जैक्टली, अगर हम कुछ नहीं बताएंगे तो हमारे पेरेंट्स को तो पता चलना ही नहीं है। Exactly. चलना सोनू, कितना भाव खाएगी, इतना अगर हम लोग ने प्रिंसिपल सर को मनाया होता ना तो भी आने के लिए मान जाते। चल रहे ना मित्रों, इसे कहते हैं विरोधाभास। एक तरफ भिड़े गुठली मारने वाले बच्चों को सोनू का उदाहरण देते हैं और दूसरी ओर सोनू को गुठली मारने के लिए उसी के दोस्त उकसा रहे हैं। एक तरफ है माँ बाप का विश्वास और दूसरी तरफ है कॉलेज लाइफ की मस्ती। एक तरफ है अनुशासन और दूसरी तरफ है प्रलोभन। अब देखना यह है कि क्या सोनू अपने दोस्तों का कहा मानती है, क्या वो गुठली मारने के लिए हाँ भर देती है या इनकार करती है, उनके साथ मस्ती करने जाती है या नहीं। इतना जरूर बता दूं कि वो जाएगी जरूर, और जाएगी तो क्या होगा, होगा बहुत हंगामों के साथ, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।